एक और खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, तहरीकी अदम एतमाद आईनी हक है, इस ऑप्शन को कोई नहीं रोक सकता। महंगाई ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया, गुर्बत आसमान से बातें कर रही है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि कौम के सामने मुझे रुसवा करने की कोशिश की गई, साफ पानी का झूठा मुकदमा बनाकर बुलाया गया और आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। कौम की एक एक पाई बचाई, सबसे कम बोली देने वालों से मजीद पैसे कम कराए। उन्होंने कहा, नैब न्याजी गठजोड़ ने कंपनी के सीईओ चेयरमैन को भी ना छोड़ा। पेपरा कानून के मुताबिक बोली देने वाले से हुकूमत जोड़ तोड़ नहीं कर सकती। कौम के अरबों बचाए, 3.5 साल से इस जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ। नई लीग्स में पाकिस्तान के बास लोगों के नाम आए। एनसीए ने स्विस बैंकों में भी अकाउंट्स की छानबीन की। मेरे खिलाफ करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर भी तख्ते दार पर लटका देना। उन्होंने सवाल किया कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के चाय वाले कहाँ गए, वो काली चाय पीते हैं या दूध वाली। वॉइस टुडे न्यूज से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।